बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अपने यूट्यूब पेपर है घर में, मैं सूरत राज। आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर में है, तो हम यहाँ आप कह सकते हैं तो इकोनॉमिक्स का आपका अर्थशास्त्र से बोलते हैं, इसका हमारा फर्स्ट पेपर है। और फर्स्ट पेपर में हम ये देखेंगे एमसीक्यू के बारे में। आप जानते हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं कि आपको 2022 के एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ के जाना और क्या छोड़ना है। कि फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो हम आपको बताएं वही पढ़ के जाना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना है। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चनों में बस यही पढ़ के जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, मतलब अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारी वेबसाइट है paperhacker.in, उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको आपको देखो एक नीचे पट्टी चल रही है ब्लैक कलर की, और इसका आपको लिखता होगा कि नोट्स को डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in पर जाएं, ठीक है .in, तो आपको वहां जाकर डाउनलोड करना होगा। तो www.paperhacker.in सर्च कर लेना गूगल पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, साइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब यहां ध्यान से देख लीजिए, जो जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वही क्वेश्चन को तैयार करना है, और बाकी आपको कुछ और नहीं देखना है। देखो इकाई फर्स्ट में हमने पार्ट वन में, जो वीडियो का पार्ट वन था उसमें इकाई फर्स्ट को देखा था। अब हमारा पार्ट टू है, ये वीडियो का पार्ट टू है, इसमें इकाई नंबर टू को देखेंगे, मतलब कि यूनिट टू के क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कहा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे, बाकी हमें फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, समझ रहे ना। आपको ये नहीं पढ़ना है कि भाई इसमें चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़ें ना पढ़ें, क्योंकि दिमाग हमें अभी यूज नहीं कर रहा है, यूज कर रहा है पेपर में जाकर। दिमाग को बस अपना इतना रखना है कि हमें पढ़ना है क्वेश्चन और आंसर, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, आपका कल्याण हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है ऑप्शन को पढ़ने की। यहां देखिए पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा परिणाम सिद्धांत को प्रस्तुत कह सकते हैं मुख्यतः किस अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो मुद्रा परिणाम सिद्धांत था उस सिद्धांत को किस शास्त्री के नाम से जाना जाता है। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की बात करने वाले हैं, ठीक है, ठीके? तो वो फिशर थे, उनके द्वारा माना जाता है, फिशर के नाम से ही जाना जाता है, इस तरीके से याद करेंगे कि फिशर, ठीक है। मुद्रा क्या होती है बेटा, मुद्रा, अब आपको मुद्रा जो परिमाण है सिद्धांत, अब मुद्रा से आपको याद रखोगे कि मुद्रा क्या होती है, फिसलती रहती है हाथों से, मतलब कि आज हमारे हाथ में है 1000 का नोट, कल को दूसरे के हाथ में हो जाएगा क्योंकि हमारे उठ जाएंगे, समझ रहे ना। तो मुद्रा क्या होती है, फिसलती रहती है, तो आप फिशर को याद रखेंगे, ठीक है। तो जो इरविंग फिशर है उसको हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर के संशोधित समीकरण कौन सी है। तो फिशर ने एक संशोधित मतलब एक समीकरण को संशोधन किया था, उस समीकरण के बारे में आपको बताना है। जैसे कि P बराबर MB प्लस M डैश B डैश बटे T, ये हमारा होता है फिशर द्वारा संशोधन समीकरण, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फिशर द्वारा एक संशोधन समीकरण को ही रखा गया है, इस समीकरण का संबंध कहते हैं संबंधित है, तो वो फिशर से संबंधित थी, किससे थी बेटा, फिशर से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल बदलने की तुलना में क्या होगा। तो आप कहोगे दुगना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर जो फिशर थे उन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को दिया था, ठीक है, परिमाण सिद्धांत को दिया था, तो उस परिमाण सिद्धांत में मुद्रा किस पक्ष को उभारा है, मतलब मुद्रा के किस पक्ष को उभारा है। तो आप कहोगे मुद्रा की पूर्ति को उभारा है, उन्होंने क्या कहा, फिशर ने जो उन्होंने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था उसमें मुद्रा को उनकी पूर्ति के आधार पर उभारा है, ठीक है, उनकी पूर्ति पर उभारा है, पूर्ति याद रखना है इस बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिशर के समीकरण में कुल कह सकते हैं मुद्रा की पूर्ति है, तो आप कहोगे मुद्रा की जो पूर्ति है वो होती है बी एम बी प्लस एम डैश बी डैश, तो ऑप्शन इसको सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिशर का मुद्रा मूल सिद्धांत क्या है। तो देखो मुद्रा मूल सिद्धांत की जब बात करें तो वो है लेन देन सिद्धांत, क्या होता है, मुद्रा मूल सिद्धांत रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समीकरण है कैम्ब्रिज समीकरण। देखो कैम्ब्रिज समीकरण निम्न में से किससे संबंधित है, मतलब किसने दी थी कैम्ब्रिज समीकरण को, तो आप कहोगे इन सभी ने कैम्ब्रिज समीकरण को दी थी, एक तो पिंगू ने दी थी, ठीक है, और रॉबर्टसन ने दी थी और मार्शल ने दी थी, तो तीनों उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ कहा है किन्स का वास्तविक शेष समीकरण क्या है। वास्तविक जो शेष समीकरण थी किन्स की वो थी
एन बराबर पी ब्रेकेट के प्लस आर के डैश डैश है, यहाँ याद रखेंगे इसको, ठीक है, हमेशा याद रखना है। चलो एक और फिर वह समीकरण दोबारा से, एक नाम है इसका, दूसरा नाम बोला गया है कि कैम्ब्रिज समीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो कैम्ब्रिज समीकरण का दूसरा जो नाम है वो है नगद शेष समीकरण। क्या है? नगद और शेष समीकरण, इसको याद रखेंगे, जिसे हम नकद बोलते हैं, ठीक है, नकद पैसा लेना ना, वही नकद शेष, वही नकद चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्ब्रिज समीकरण आधारित, तो कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा की मांग पर आधारित थी बेटा, कहाँ थी, मुद्रा की मांग, जो पैसा है उसकी मांग पर आधारित थी कैम्ब्रिज समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा स्फूति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है, आपको बताना है, मुद्रा स्फूति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, मतलब मुद्रा की कीमत घटती है। इस तरीके से कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और मुद्रा है उसकी कीमत क्या हो जाएगी, घटेगी या फिर गिरेगी, वो मुद्रा स्फूति कहलाता है, समझ रहे हैं ना, मुद्रा की कीमत घट जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ये क्या कहलाता है, मुद्रा स्फूति कहलाता है। स्फूति याद रखना, इस बात को स्फूति से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक साख निर्गमन का जो कह सकते हैं परिणाम है वो क्या है, आपसे पूछा गया, वो है मुद्रा स्फूति, याद रखना मुद्रा स्फूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मुद्रा स्फूति के दौरान मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, तो आपको पता है मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ठीक है, तो विपरीत हो जाता है, एक मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और वस्तु का मूल्य उड़ जाएगा, मतलब कि ये गिरेगा ये उठेगा, तो आप समझ सकते हैं विपरीत होगा एक दूसरे का, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा स्फूति में मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा क्या गिर जाती है बेटा, गिर जाती है, मुद्रा गिरेगी और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, आपको पता है, मैं ऊपर बता चुका हूँ और ये सिद्ध भी कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा स्फूति का आशय किससे होता है, आशय का मतलब है क्या तात्पर्य है, मुद्रा स्फूति कहते किसे है, तो मैंने कहा ना कीमतों में होने वाले लगातार वृद्धि, मतलब कीमत में क्या हुआ, कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि को ही मुद्रा स्फूति कहते हैं, मतलब कि वस्तु की कीमत क्या हुई, बढ़ गई, मुद्रा पैसे की कीमत क्या हुई, घट गई, तो यह क्या कहलाता है, मुद्रा स्फूति कहलाता है। मुद्रा स्फूति बढ़ने का कारण क्या है, देखो यहाँ कह रहा है अनुउत्पादक व्यय का है बढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है मुद्रा प्रसार में क्या घटता है, तो मुद्रा प्रसार में क्रय शक्ति घटती है बेटा, क्रय शक्ति, जो क्रय खरीदने वाला उसकी शक्ति क्या है, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंस के अनुसार वास्तविक स्फूति कब उत्पन्न हुई थी, तो वास्तविक स्फूति उत्पन्न होती वो होती पूर्ण रोजगार के बाद में, जब रोजगार पूर्ण तरीके से खत्म हो गया उसके बाद में क्या हुआ, किंस के अनुसार वास्तविक स्फूति बढ़ाई गई, ठीक है, उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फूतिक दशाओं में व्यापार शेष है वो है प्रतिकूल होता है, तो आप याद रखना जो स्फूतिक दशाएं होती हैं, स्फूतिक पोजीशन होती है, स्थिति होती है, दशाओं को स्थिति भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ बोला गया है जो स्फूतिक जो दशाएं होती हैं उनमें व्यापक शेष कैसा होता है, तो प्रतिकूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का है जो स्फीति बोला गया है कि अवस्थाओं में आर्थिक विषमताएं होती हैं, कैसी होंगी विषमताएं, कैसी होंगी, बढ़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मुद्रा स्फूति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव समाज के किस वर्ग पर पड़ता है, तो वो पड़ता है निश्चित आय वाले वर्ग पर। एक निश्चित आय का मतलब होता है जिनकी मान लीजिए 100 रुपये दिन की कीमत है, कमाने की 100 रुपये दिन कमाएंगे तो उन पर एक निश्चित आय होनी चाहिए कि 100 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फूतिक दशाओं में ऋणी और ऋणदाता वर्ग, ठीक है, क्रमशः प्राप्त रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं, लाभ और हानि दोनों में, लाभ और हानि दोनों में रहते हैं। मुद्रा स्फूति अन्यनपूर्ण है, मृदा संकुचन अनुपयुक्त है, और इन दोनों में मृदा संकुचन अधिक बुरा है, ये कथन किसका है, तो आपको ये किंस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप पीडीएफ को अभी डाउनलोड कर ले, पीडीएफ का लिंक paperhacker.in वेबसाइट पर दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फटाफट वेबसाइट पर टच करके डाउनलोड कर लो paperhacker.in वेबसाइट, जो आपको नीचे चल रहा है, नीचे देखो लाइन में चल रहा है। यहाँ का यहाँ बोला क्या है, अब स्फूति की अवस्थाओं में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, पहले मुद्रा का मूल्य घट रहा था किसमें, स्फूति की अवस्था में, लेकिन अब स्फूति अभी वो देखो, अब और स्फूति का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा और वस्तु की कीमत घट जाएगी, उल्टा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया, मुद्रा के मूल्य में
परिवर्तन से संबंधित है तो वो होता है उपरोक्त आ और बा दोनों, मतलब कि मुद्रा स्फूति और मुद्रा अब स्फूति दोनों ही क्या होते हैं, मुद्रा के मूल में परिवर्तन की संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मांग प्रेरित स्फूति उत्पन्न होने का कारण क्या है, वो है मांग में अतिशय वृद्धि, क्या कहलाता है, मांग में अतिशय वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लागत जन्य स्फूति होती है, लागत जन्य स्फूति का मतलब होता है उत्पादन, देखो उत्पादन लागत में वृद्धि का कारण, उत्पादन लागत में वृद्धि का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, लागत प्रेरित स्फूति निम्न में से किस कारण से उत्पन्न होती है, तो लागत प्रेरित स्फूति जो होती है वो किस कारण से उत्पन्न होगी, कब ये उत्पन्न होगी, कब इसका निर्माण होगा, तो आप कहोगे उपरोक्त सभी कारणों से, ऊर्जा व्यय से अधिक होगा, मतलब ऊर्जा व्यय में वृद्धि होगी तब होगा, मजदूरी में वृद्धि होगी और लाभों में वृद्धि होगी तब लागत प्रेरित स्फूति उत्पन्न होगी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, समझ सकते हैं, यहाँ है लागत प्रेरित स्फूति उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, वो है नगद मजदूरी दरों में वृद्धि, मतलब कि नगद जो लोग पैसे मांगते हैं उसमें वृद्धि होना ही लागत प्रेरित स्फूति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, लागत प्रेरित स्फूति उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मजदूरों के दरों में वृद्धि और लाभों की दरों में वृद्धि, यह सब कुछ कहलाती है। लागत प्रेरित स्फूति को नियंत्रित करने के आवश्यक है, तो जो भी हम यदि लागत प्रेरित स्फूति में यदि हम नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो गाइस फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ है लागत प्रेरित स्फूति को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है, तो क्या चीज़ आवश्यक होता है, वो आ और बा दोनों को यहाँ मेंशन किया गया, मतलब कि यदि बाजार की आपूर्तिताओं को दूर करना, मतलब कि बाजार में यदि बाजार कम है तो उसको अधिक लगा दो, ठीक है, आपूर्तिताओं को दूर करना, और दूसरी क्या हो सकता है, श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी पर नियंत्रण लगाना, मतलब कि जो श्रमिक हैं जो मजदूर हैं उनकी मौद्रिक, जो कहते हैं कि मुझे डायरेक्ट पैसे चाहिए उनकी मजदूरी पर नियंत्रण लगा देना, भाई डायरेक्ट नहीं देंगे हम, 2 दिन 10 दिन रोक के देंगे, 1 महीने बाद आपकी सैलरी देंगे, इस तरीके से आप लागत प्रेरित स्फूति को नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये क्या है, मुद्रा स्फूति कह सकते हैं, यहाँ कट चुका है ये, ठीक है, यहाँ देखो मुद्रा स्फूति में महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जब मुद्रा स्फूति में क्या क्या है, वस्तु की मांग ऊपर हो जाती है और पैसे की मांग नीचे हो जाती है, तो उसमें बोला गया है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, साथ साथ बेरोजगारी में क्या हो जाएगी, पैसे कम मिलेंगे और वस्तुएं ज़्यादा बिकेंगी। अब मान लो एक मेरा फ़ोन है, ये ज़्यादा बिका, ठीक है, लेकिन ये कंपनी ने 10,000 का बनाया, ठीक है, और इसे हमने 10,000 में ही बेच दिया, ठीक है ना, ये वस्तु की मांग तो बहुत हो गई लेकिन हम इसको 10,000 में बेच रहे हैं, बहुत लोग खरीद रहे हैं इस फोन को, एप्पल का फोन है, बहुत लोग खरीद रहे हैं, आईफोन है तो बहुत लोग खरीद रहे हैं भाई 10,000 में, मजा आ गया, तो समझ रहे हैं ना, तो क्या हो गया, इसमें बेरोजगारी क्या हो जाएगी, यार कम हो जाएगी, हम पैसे कमा नहीं रहे, बना तो दिया हमने, पैसे तो हम 10,000 कमा रहे हैं इससे, इतना कमाया और लोग बहुत खरीद रहे हैं, यदि हम इसको क्या कर दें, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, तो भी यही क्या है, महंगाई के साथ, महंगाई बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ेगी, समझ रहे हैं ना, जब इसकी फ़ोन की कीमत, फ़ोन ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, क्लियर हो गया कि लोग काम नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ थोड़ा सा मेन से समझने की चीज़ें हैं। यहाँ बोला गया है फ्लिस्प वक्र की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी, तो आपको पता है 1958 में की गई थी, सभी को पता होगा। चलो यहाँ देखो एक यही वक्र बोला गया है, जो फ्लिस्प वक्र है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आपने पता है फ्लिप्स ने किया होगा, सबसे पहली बात तो यही समझ लो। चलो यहाँ बोला गया है फ्लिस्प वक्र आधारित था किस पर, तो अनुभव सिद्ध जो तथ्य थे, तथ्य का मतलब होता है जो कही गई बातें जो अनुभव सिद्ध हो, मतलब कि अनुभव के आधार पर भी सिद्ध हो, वो तथ्य का मतलब होता है जो हमने बात कह दी, अपने सिद्ध कर दिया उन चीज़ों को, उन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनुभवशील, मतलब बहुत अनुभव है इन चीज़ों को, बहुत प्रैक्टिस है काम करने की, वो चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है फ्लिस्प वक्र संबंध बताता है किन चीज़ों, तो आप कहोगे बेरोजगारी से और मुद्रा स्फूति के बीच, तो ये संबंध बताता है जो फ्लिस्प वक्र था, ठीक है, वक्र का मतलब होता है एक इस तरीके से एक वक्र बना दिया कि भाई ये यहाँ मजदूरी घटी, यहाँ क्या हुआ, बेरोजगारी तो बहुत क्या गई, बढ़ गई स्फूति के बीच में, इन दोनों के संबंध बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने फ्लिप्स वक्र को नव किंसवादी विचारधारा
से संबंधित किया तो आप कहोगे बोधे उपरोक्त सभी, उन्होंने कहा नवकिंसवादी विचारधारा में बदल दिया उसको, तो वो थे सोलो ने, लिप्से ने और भी थे, तो तीनों आपको यहां मेंशन करना होगा। तो आप उपरोक्त सभी को लगा देना, सोलो बेल्स वगैरह या फिर सेल्यूलेंसन आ जाए तो आप तीनों पर लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोला गया है ओकुन का नियम संबंधित बताता है, तो ओकुन का जो नियम था वो किसमें था, तो आप कहोगे जो था आर्थिक विकास और बेरोजगारी के बीच में, आर्थिक विकास के बीच में और बेरोजगारी के बीच में संबंधित था इनका। एक है 40वां, ओकुन का नियम किस देश के 3% के विकास स्तर की चर्चा करता है, तो वो करता है यूएसए। देखो यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब कि अमेरिका में, ठीक है, 3% विकास स्तर पर चर्चा करता है। अब हम यूनिट नंबर 3 की यदि बात करें तो पार्ट नंबर हम 3 में वीडियो को देखेंगे, पार्ट 3 हम वीडियो को देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और पेपर हैकर पर जाकर देख सकते हैं। चलो अभी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।